الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم آج जुमे का दिन है और दिलहिज्जा की 5 तारीख 10 तारीख यानी बुध के दिन ईद उल अज़हा का दिन है, कुर्बानी का दिन है। इस महीने में खास तौर पे ये जो 10 दिन है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, बहुत ही कीमती दिन है और बहुत मुबारक दिन है। हदीस में आता है कि जो आदमी ज़िलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 1 दिन रोजा रखेगा, अल्लाह ताला 1 साल के रोजे का सवाब अता फरमाए। और 9 ज़िलहिज्जा इन साल मंगल के दिन है, उसके बारे में आता है कि जो ज़िलहिज्जा की 9 तारीख यानी अरफा के दिन रोजा रखेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसके अगले 1 साल और पिछले 1 साल के गुनाह को अल्लाह माफ कर। हमको और आपको कोशिश करना चाहिए, अगर 8 तारीख तक नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 9 तारीख का रोज़ा रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इस महीने में खास तौर पे 2 इबादत ऐसी है कि पूरे साल और कभी ये 2 इबादत अदा नहीं होती, एक कुर्बानी है और एक हज है। हज जिन मकामात में हज के लिए हाजी लोग जाते हैं आज भी वो मौजूद है और इस महीने के बाद भी पूरे साल तक वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। लोग वहाँ सैर करने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए जाते हैं, लेकिन हज तो बहरहाल ज़िलहिज्जा की 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 तारीख 5 दिन और अगर 13 तारीख को भी मीना में रुक जाए तो फिर 13 तारीख को भी शैतान को कंकर मारना है। बाकी इसके अलावा पूरे साल कभी हज नहीं होता। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा इन साल आने वाले बुध, जुमेरात और जुमा, बस ये 3 दिन कुर्बानी का दिन है। उससे पहले भी कुर्बानी नहीं, उसके बाद भी कुर्बानी नहीं। आप 1,000,000,000,000 रुपए का जानवर ले लें और आज कुर्बानी की नीयत से कुर्बानी कर दें, ज़बह कर दें, आपको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर 4,000, 5,000 का भी जानवर लिया और 10 ज़िलहिज्जा को या 11 को या 12 को आपने कुर्बानी की नीयत से उस जानवर को ज़बह किया, हदीस में आता है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब, सबसे पसंदीदा जो अमल है वो इहराकुद दम यानी जानवर का खून बहाना, अल्लाह के रास्ते में जानवर को ज़बह करना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया कि जिसके पास कुर्बानी करने की हैसियत है, जो निसाब का मालिक है, जिस पर कुर्बानी वाजिब है और हैसियत के बावजूद अगर वो कुर्बानी नहीं करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया फला यक्रबन्ना मुसल्लाना, खबरदार खबरदार वो ईदगाह के करीब भी ना आए, ऐसे आदमी को ईद उल अज़हा के नमाज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो, जिसके पास कुर्बानी की हैसियत है, उलमाए किराम से मसला पूछकर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपने माल और दौलत का हिसाब देकर आप उलमा से मालूम कीजिए कि हम पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अगर वाजिब है तो जरूर कुर्बानी कीजिए। आम तौर पे औरतों के पास
20 तोला 25 तोला चांदी 50 तोला चांदी या इतना ना भी हो, अगर 20-25 तोला चांदी हो और आधा तोला सोना हो जाए तो औरतों पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसलिए अपनी औरतों के जेवरात का हिसाब भी उलमा को बतलाइए और कुर्बानी अगर वाजिब है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने इलाके में बहुत ज़्यादा पैसे कुर्बानी के लिए नहीं लगते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बकरा ही ज़बह किया जाए, एक छोटा मोटा गाय या मतलब बाछी जिसको बोलते हैं 10-12 हज़ार में भी मिल जाता है। आजकल के बाजार में भी 7 आदमी कुर्बानी करेंगे 1,500-2,000 रुपये जाएंगे। इसलिए कुर्बानी जिस पर वाजिब है वो ज़रूर कुर्बानी करें। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिए कि मैंने बतलाया कि इन दिनों में यानी 8, 9, 10, 11, 12 और हज का अमल और इसी तरह से 10, 11, 12 को कुर्बानी का अमल यानी खास तौर पे दो अमल और दो इबादत इस महीने में बहुत अहमियत वाली इबादत है और दोनों इबादत के लिए अल्लाह ताला ने बंदों से जो कलमा कहलवाया है, जो जबान से बात कहलवाई है, अजीब व गरीब बात है। हाजी जब हज करने के लिए जाता है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया के तमाम मुसलमानों को बार बार मकबूल हज और उम्रे की तौफीक नसीब फरमाए, सभी लोग आमीन कहिए। तो जो लोग हज करने के लिए जाते हैं उनको मालूम है कि हज का एहराम बांध लेने के बाद सबसे बेहतरीन जो अल्लाह का जिक्र होता है वो तल्बिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये दुआ, ये तल्बिया हाजी जब हज का एहराम बांध ले, शैतान को कंकर मारने तक सबसे बेहतरीन जो जिक्र है, सबसे आला क्वालिटी का जो जिक्र है, अल्लाह को याद करने का तरीका है वो यही है कि हाजी बस तल्बिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर एक की जबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये जो तल्बिया है इसका माने क्या है, छोटे छोटे बच्चे मकतब मदरसे में जो पढ़ते हैं उनको भी मालूम है कि जब उनकी हाजिरी ली जाती है, मौलाना साहब जब उनका नाम पुकारते हैं अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, तो वो उस पर मौजूद होता है तो वो लब्बैक बोलता है। पहले जमाने में आम तौर पे हाजिर जनाब बोलते थे, उर्दू का ये लफ्ज है, और इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह हो तो यस्सर बोलते हैं, लेकिन अरबी में जब हाजिरी ली जाए और जवाब में तालिबे इल्म स्टूडेंट बोलता है तो लब्बैक कहता है। लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आपने मीना में बुलाया, मैं मीना में हाजिर। अरफात में बुलाया, अरफात में पहुंच गया। आपने कहा कि मुज़दलिफा में रात गुजारो, सारा कपड़ा उतारा, एक चादर पहना है, एक चादर बदन पर है। लाखों करोड़ों का ड्रेस पहनने वाला दुनिया का बड़ा से बड़ा मालदार बस एक ड्रेस में अरफात में भी नजर आ रहे हैं, मुज़दलिफा में भी नजर आ रहे हैं, मीना में भी नजर आ रहे हैं, पहाड़ी के दामन में जाकर टीले के ऊपर जाकर धूप पड़ रही है, बहुत तेज धूप है, वहां जाकर अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ऐ अल्लाह आपने बुला लिया यहाँ पर, आपके फजल से हम यहाँ पहुंचे हैं, आप हमको ये भी दीजिए वो भी दीजिए, ऐसा भी कीजिए वैसा भी कीजिए। लेकिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये सबसे अच्छा जिक्र, गोया के ये बंदा अल्लाह के दरबार में इसका इकरार करता है कि अल्लाह मैं तो हाजिर हो गया, आपने कहा मीना में आने के लिए, मैं मीना में आ गया, ऐ अल्लाह आप कहाँ हैं, आप हमसे राजी हो जाइए। आपने अरफात में कहा, अरफात में आ गया, मैं हाजिर हो गया, ऐ अल्लाह आप हमसे पूरी उम्मत से राजी हो जाइए। ये गोया की एक प्रैक्टिस है, ये एक मश्क है, ये सिखलाया जाता है। क्या सिखलाया जाता है? हाजी को ये सिखलाया जाता है कि जिस तरह यहाँ पर तुमने अल्लाह की पुकार पर अपने घर बार को छोड़ा, यहाँ आया, किताबों में लिखा है
कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को बना दिया बाप बेटे ने मिलकर, तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इब्राहिम तुम अब ऐलान करो, हाँ अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ए इब्राहिम तुम हज का ऐलान करो लोगों में, लोगों को कहो कि आ जाओ हज करने के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज और उमरे का जो ऐलान किया था, गोया के हम और आप उन्हीं के ऐलान के जवाब में हज करने के लिए वहां पहुंचते हैं, उमरा के लिए पहुंचते हैं। तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहकर ये मश्क कराया जाता है कि ए हाजी जैसे यहां तुम कह रहे हो कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, इसी तरह से हज करके जब तुम घर चले जाओ तो वहां पर बीवी बच्चों के बीच में रहो, वहां भी तुम ये कहो ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, बीवी के साथ कैसा बर्ताव करना है, ऐ अल्लाह बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना है, आपने जैसा बर्ताव करने के लिए, जैसा मामला करने के लिए कहा, जैसे मैंने हज में आपने जैसा कहा था वैसा किया था, हज से घर आने के बाद भी वही काम करूंगा जो काम आपने करने का हुक्म दिया, बाजार में जा रहा हूं ऐ अल्लाह यहां पर भी आप है, आपने बाजार जाने का हुक्म दिया, सौदा लेना है, माल लेना है या और कुछ लेना है, ऐ अल्लाह आपने जिस तरह से खरीदो फरोख्त करने के लिए कहा, जैसे मार्केटिंग का शॉपिंग का तरीका आपने आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ऐ अल्लाह मैं उसी तरीके से ये काम करूंगा। तो हाजियों के अल्लाह ताला ने ये प्रैक्टिस करवाया, ये मश्क करवाया कि हज में भी और हज के बाद भी हर वक्त ये समझो अल्लाह तुमको देख रहा है, तुम्हारे सामने अल्लाह है, तुम अल्लाह के सामने हो, और जो आदमी अल्लाह को अपने सामने समझ लेगा, दिल से समझ लेगा, तो वो बहुत सारे बल्कि तकरीबन तमाम के तमाम गुनाहों से बच जाएगा, बचने का इहतमाम और कोशिश करेगा। हमारा और आपका हाल यह है, अजान होती है उस वक्त भी शायद अल्लाह का ख्याल नहीं आता, हम अपने काम में पहले जैसे थे, अजान होने के बाद भी वैसे ही रह जाते हैं। इमाम साहब आजकल तो गर्मी का मौसम है, सहन में नमाज पढ़ाते हैं, बाहर तिराक की आवाज जाती है, हम और आप गुजर जाते हैं, अल्लाह ने बुलाया लेकिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हमने यहाँ नहीं कहा, बल्कि बाहर गली में कुर्सी पर चारपाई पर बैठकर गप्पे करते रहते हैं, और हम और आपको मस्जिद में आने की तौफीक, अल्लाह के दरबार में हाजिर होने की, हाजिरी लगाने की तौफीक नहीं होती। तो एक हज की इबादत, दूसरी जो इबादत है वो कुर्बानी की इबादत। जब कुर्बानी जानवर को ज़बह किया जाता है और ज़बह करने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है, तो उस दुआ में एक आयत तो इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी है, और उसके बाद है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ पढ़ना हदीस से साबित है, कुर्बानी से पहले ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, उलमाए किराम जब जानवर को ज़बह करते हैं दुआ पढ़ते भी है, आम तौर पे जो भी ज़बह करता है वो पढ़ता है, अगर ये दुआ पढ़ना वाजिब और जरूरी नहीं, लेकिन बहरहाल हमको शरीयत ने ये सिखलाया कि कुर्बानी से पहले ये दुआ पढ़ो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। इन्ना सलाती ऐ अल्लाह मेरी नमाज, इन्ना सलाती व नुसुकी ऐ अल्लाह ये मेरी कुर्बानी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया ऐ अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा लाइफ, मेरा पूरा जीवन, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐ अल्लाह आप ही के लिए है। हम जो नमाज पढ़ते हैं किसी को दिखलाने के लिए, किसी को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आपके लिए और आपको राजी करने के लिए। ये जो हम जानवर को ज़बह कर रहे हैं ऐ अल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ आपको राजी करने के लिए, हमारा कोई मकसद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने माल दिया, पूरे साल ऐ अल्लाह हम गोश्त खाते हैं, अल्लाह आपके फजल से हमारे घर में रोजाना गोश्त बनता है, लेकिन आज हम अपने घर में जानवर को ज़बह कर रहे हैं, हम इतना पैसा खर्च करके जानवर को ज़बह कर रहे हैं, इसलिए इसलिए कि आप आज के दिन कुर्बानी करने वालों से खुश होते हैं। आपके यहाँ आज सबसे अच्छा अमल जानवर का खून बहाना है, ऐ अल्लाह बस आप ही के लिए कुर्बानी करते हैं। और अल्लाह ये सिर्फ कुर्बानी करना नहीं,
बल्कि वह महयाया मेरी पूरी जिंदगी, उठना बैठना सोना जागना, मस्जिद में जाना बाजार में जाना घर में आना, बीवी बच्चों के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारना, बड़ों के साथ मिलना छोटों से मिलना, ऐ अल्लाह दुकान पर जाकर बैठना, महयाया जिंदगी का एक एक लम्हा ऐ अल्लाह बस आपके लिए है, आप जैसा कहें मैं जिंदगी को आपके कहने पर कुर्बान कर दूं, वह ममाती और ऐ अल्लाह मेरी मौत भी आप ही के लिए है, आप अगर अभी मार देंगे हम अभी मर जाएंगे, मस्जिद से घर जाने को का मौका भी नहीं मिलेगा, एक सेकंड का मौका नहीं मिलेगा, एक सेकंड ना तो मौत में ताखीर हो सकती है और न ताजीर, यानी एक सेकंड ना तो पहले मौत आ सकती है और न ही एक सेकंड बाद में मौत आ सकती है, आप जब मारेंगे जब हमारी मौत आएगी, तो इन सलाती व नुसुकी ये जो दुआ पढ़ाया जाता है, ये दुआ जो पढ़ी जाती है कुर्बानी से पहले, अल्लाह ताला ने गोया के तमाम मुसलमानों को ये तालीम दी, ये सिखलाया कि ऐ मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी का हर काम मुझको खुश करने के लिए और मुझको राजी करने के लिए होना चाहिए। अब हम और आप अपनी जिंदगी को देखें, हम अपने लाइफ को देखें, हम अपने मुआशरे को समाज को अपने घराने को देखें, हम कौन कौन सा काम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं और कौन कौन सा काम हम ऐसा करते हैं जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है। मेरे भाइयों ये जो दो अमल है, हज का अमल और कुर्बानी का अमल, अल्लाह ने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं है कि जो चाहा बंदों को और उम्मत को हुक्म दे दिया, बल्कि इस्लाम का एक एक हुक्म, इस्लाम की एक एक इबादत, उसके अंदर बहुत सारी हिकमत दानाई और अकलमंदी की बातें छुपी हुई है। हम और आप वाकईतन अगर ये सोच ले कि कुर्बानी से पहले ये दुआ पढ़ी जाती है और इस दुआ का ये मकसद है, तो अब हमारा जानवर खरीदना किसी को दिखलावे के लिए नहीं होगा कि फला आदमी ने 10,000 का लिया हम 12,000 का लेंगे, फला आदमी के बकरे में 12 किलो गोश्त निकलेगा हम ऐसा बकरा लेंगे जिसमें 20 किलो गोश्त निकलेगा। आप बिल्कुल लीजिए, शौक से लीजिए, लेकिन इसलिए लेना कि ताकि हमारी कुर्बानी उससे अच्छी और लोग हमको उससे बड़ा मालदार समझने लगे, ये नीयत अल्लाह को खुश करने वाली नहीं है। इसी तरह से जिंदगी का हर अमल करने से पहले इंसान को ये देखना चाहिए कि हमारे अमल से अल्लाह खुश होगा या हमारे अमल से अल्लाह नाराज होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों, अब ये कुर्बानी का दिन आने वाला है, कुर्बानी और हज से मुताल्लिक ये जो बातें कही गई है, खास तौर पे कुर्बानी से मुताल्लिक, क्योंकि हम और आप इंसान को हज के लिए गए नहीं, जब जाएंगे इंशाअल्लाह जो बातें कही गई है उन बातों पर अभी भी अमल करेंगे और खास तौर पे उस वक्त जाएंगे तो उसका इस्तेहजार होगा। लेकिन कुर्बानी के सिलसिले में सिर्फ एक दुआ का जो मैंने मतलब बतलाया, कम से कम उस दुआ को अपने दिल दिमाग में रख कर और अल्लाह के रास्ते में अपने जानवर की कुर्बानी करें। और सिर्फ एक बात और मैं बतला दूं, आज 5 तारीख है, कुर्बानी का दिन तो 10 तारीख को है, 10 तारीख से पहले 9 तारीख को यानी मंगल का जो दिन आएगा 9 तारीख, वो फजर से लेकर 9 तारीख की फजर से लेकर 13 तारीख के असर तक हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर तशरीफ पढ़ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बुलंद आवाज से जोर से मर्दों के लिए ये वाजिब है। जो लोग मस्जिद में आकर जमात से नमाज पढ़ते हैं तो जमात में किसी न किसी को याद आ जाती है ये तकबीर और पढ़ लिया जाता है, लेकिन जो कभी अकेले घर में पढ़ लेते हैं आमतौर पर मिस हो जाता है, भूल जाते हैं, उसको चाहिए कि किसी मौलाना साहब से वो दुआ सीख ले और जहां पर नमाज पढ़ते हैं वहां पर दीवार में लगा दे ताकि कम से कम सलाम फेरने के साथ साथ याद आए। 9 तारीख के फजर से लेकर 13 तारीख हो जाएगा सनीचर के असर तक मर्दों को बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब और औरतों को भी पढ़ना वाजिब है, लेकिन उनको बुलंद आवाज से नहीं बल्कि धीमी और आहिस्ता आहिस्ता आवाज से औरतें ये तकबीर पढ़ेगी।
अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई है इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।